हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जितनी मेहनत मैंने आपसे करने के लिए कहा था आप वो मेहनत पूरा 100% जो है वो आप अपना दे रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि हम लोग यानी कि मैं और मेरी CSCARTINDIA की जो टीम है अगर वो आपके लिए जरा सा भी अच्छा काम कर रही है तो प्लीज जो लाइक वाला बटन वहां पे आपको दिया हुआ है उस लाइक वाले बटन को आप प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करके बता देते हैं कि मेरे काम और हमारे काम यानी कि CSCARTINDIA जो है उसके काम आपको कैसे लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, या कोई और सजेशन अगर आपका होगा वो भी अगर आप देंगे तो वो भी सर आपको रहेगा और बहुत ही अच्छा मुझे लगेगा। सर ये आज सबसे पहले आती है आप लाइक और इस चीज की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, आपके जो लाइक्स होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं पॉजिटिव वाले, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हौसला अफजाई करते हैं कि हम आपको और बेहतर और बेहतर और बेहतर कंटेंट जो है वो देते जाएं। इसी वजह से इस वीडियो को शुरू करने के पहले ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप अगर थोड़ा सा भी मुझे प्यार करते हैं तो प्लीज लाइक्स जो है वो आप फटाफट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप अपना प्यार अपने भाई के लिए बरसाएं तो बहुत ही अच्छी मेहरबानी आपकी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव कमेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट ऑन मी एंड माई टीम, हम लोग इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो चुके हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर भी हम लोगों ने अपना जो स्टूडियो है एकदम घर पे प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया। इसके पहले की 3 या 4 वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी, लाइटिंग प्रॉपर नहीं थे या फिर मैं एक कोने में थोड़ा सा ऐसे दुबके हुए बैठा हुआ था, प्रॉपर आउटपुट वहां पर आ ही नहीं रहा था, मजा नहीं आ रहा था। और अभी फिलहाल का टाइम ऐसा है जिसमें कि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और इस टाइम पे इस सिचुएशन में पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से करना हमारे लिए बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हियर वी गो, वी हैव मेड द प्रॉपर सेटअप एट होम इटसेल्फ। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है या स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे मैं आपके लिए कभी भी एनी टाइम जब आप कहेंगे कि सर मुझे ये टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए फटाफट मैं आपको वीडियो जो है वो बना के दे दूंगा। Understood the point? Done. चलिए बात करते हैं आज हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में जो अगेन एक बहुत ही सीरियस वाला टॉपिक है। टॉपिक ये है कि काफी बच्चों के अगेन यहां पे मैसेज आ रहे कि सर लॉकडाउन हो चुका है, मैंने ICSI से अपना मॉड्यूल जो है वो मंगवाया है लेकिन अभी तक आया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुरियर की डिलीवरी नहीं हो रही है, या फिर अलग अलग जगहों से मैंने क्लासेस परचेज की थी वो क्लासेस जो है पेनड्राइव में थी, साथ में प्रिंटेड कॉपी जो है वो भी हमने मंगवाई लेकिन वो भी नहीं आ पा रही है, फैकल्टीज जो है वो बोले PDF बुक वगैरह जो है वो हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनका अपना एक कंसर्न होगा कि कॉपीराइट वाली चीज है PDF कैसे प्रोवाइड कर दे वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें रहती है ठीक है। तो ऐसे केस में दे आर कंसर्न कि सर हम अपनी स्टडी जो है वो किस तरीके से करें, कैसे करें, हमारे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो बेटा मैं आज आपको यहां पे ये बताने आया हूं कि जून 2020 एग्जाम्स को कॉन्कर करने के लिए आपके पास एक बहुत ही खतरनाक वाला वेपन है, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक रामबाण आपके पास में है जिसका अगर आपने फुल यूटिलाइजेशन कर लिया, फुल यूटिलाइजेशन अगर आपने कर लिया तो ऐसे केस में आप अपने जून 20 की जो एग्जाम्स हैं उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। से क्या है उस पर्टिकुलर वेपन का नाम, वैसे तो आप लोग इस बात से अछूते नहीं, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि CSCARTINDIA का जो एप्लीकेशन है जो कि फिलहाल गूगल स्टोर यानी कि एंड्रॉइड वाले जो फोन्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए एक पक्का कॉन्कर करने वाले वेपन के तरह है। क्यों ऐसा सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि चाहे आप बात कीजिए फाउंडेशन के बारे में या फिर आप बात कीजिए एग्जीक्यूटिव के बारे में और या फिर आप बात कीजिए प्रोफेशनल के बारे में, इन तीनों ही लेवल्स के लिए यानी कि पूरे के पूरे CS के लिए सिर्फ और सिर्फ CS को डेडिकेटेड यहां ये एप्लीकेशन है जिसमें EBooks की बात कीजिए, वीडियो लेक्चर्स की बात कीजिए, स्टडी टिप्स की बात कीजिए, चार्ट्स की बात कीजिए, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पर अवेलेबल है राइट। इसमें मैं आपको टैब्स वगैरह जो है वो सिंपली बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो आपका आज का बहुत बड़ा कंसर्न है वो क्या है बेटा, अपडेटेड एमेंडेड ई बुक्स।
बराबर है। बकायदा यहां पे सीएस कार्ट एप्लीकेशन पे अगर आप ई बुक वाले टैब पे जाते हैं तो मेरे यानी कि सीएस प्रवीण चौधरी के जून 2020 एग्जाम्स के हिसाब से अपडेटेड वाले जो नोट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, अपडेटेड वाले नोट्स, फिर चाहे वो आप कंपनी लॉ की बात कीजिए, ईबीसीएल की बात कीजिए, एसएलसीएम की बात कीजिए, जीआरएमसी की बात कीजिए, ड्राफ्टिंग की बात कीजिए या सीआरआईडब्ल्यूएल की बात कीजिए, हर सब्जेक्ट के जून 20 एग्जाम्स के हिसाब से अपडेटेड वाले जो नोट्स हैं वो नोट्स आज हमने यहां पे अपडेट कर दिए हैं। एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दैट। एक सिंगल रुपया जो है वो आपको पे करने की वहां पर जरूरत नहीं है, राइट आप जाके सीधा वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो सिंपल तरीके से वहां पे आप शुरू कर सकते हैं। पूरे अपडेटेड वाले नोट्स हैं वहां पे अच्छे तरीके से, गॉट द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे अगर मैं बात करूं तो उसी पर्टिकुलर ऐप के अंदर आपको यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक वहां पर दे दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कहता है कि सर मेरे लिए एक कंसर्न टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो आप बना दीजिए, जबकि अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है या सीएस कार्ट इंडिया उस टॉपिक पे वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका है। लेकिन पॉइंट ये है सर, कौन यूट्यूब को खोलेगा, कौन वहां जाके पूरे लिंक देखेगा वहां पे कि मेरे कंसर्न का टॉपिक वहां पे कहां है कहां नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी एक ऐप के अंदर जो यूट्यूब का टैब आपको दिया हुआ है उसी पे क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोज जो है उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, मॉक टेस्ट की बात अगर मैं करूं तो सीएस कार्ट इंडिया का एप्लीकेशन जो है वो इकलौता एक पहला ऐसा एप्लीकेशन है जिसने सबसे पहले मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए इंट्रोड्यूस किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट ऐप फॉर द सीएस जिसने मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए इंट्रोड्यूस किए, और हर सब्जेक्ट की बात आप यहां पर कर लीजिए, फिर चाहे वो एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट होगा, फिर चाहे वो आपका सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्ट होगा, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो आपको यहां पे दिए हुए हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या सर, सीएस कार्ट इंडिया पे जो मॉक टेस्ट है वो इतने रियलिस्टिक हैं कि अगर आपके एग्जाम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वही सेम नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पे भी रहती है, सेम यहां पे भी आपकी वही नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहती है, गॉट द पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों का अभी मैसेज आता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून 20 एग्जाम्स कोई है क्या, बता दीजिए प्लीज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए। तो जितने भी हैं वैसे मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, लेकिन अगर आपको वो पेज चाहिए, अगर आपको वो पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको कहां जाना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले टैब पे जाना होगा, वहां जाके आप उस चीज को ले सकते हैं। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात हो गई, हाउ टू प्रिपेयर। काफी बच्चों को डाउट होता है सर मुझे थ्योरी पेपर जो उसको प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चीजें मुझे याद नहीं रहती है, चीजों को मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर मुझे सिली मिस्टेक्स जो है वो मुझसे हो जाती है, कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं होते, फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं रहते, तो उनके लिए किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स जो है वो यहां पे बनाए हुए हैं, जो कि आपको कहां मिल जाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर वाला जो टैब है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो दिख जाएंगे। फिर उसके बाद में ज्वाइन अस ऑन द व्हाट्सएप, ये तो अलग बात होगी, लेकिन एग्जाम के टिप्स, एग्जाम में कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे मैं हर बार एक बात कहता हूं कि आपका जो पेपर है अगर 100 मार्क का पेपर आया है तो पूरे 100 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक मार्क का पेपर जो है वो भी आपका छूटना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा ना राइटिंग बहुत स्लो है, कितनी भी कोशिश कर लूं 100 मार्क का पेपर जो है वो मेरा सॉल्व हो ही नहीं सकता, राइट। तो मैंने वहां पे बकायदा टाइम मैनेजमेंट के बारे में चीजें बताई है जिसमें मैंने ये कहा है कि आपको ये ध्यान देना है कि एक मार्क के लिए आपको 1.5 मिनट से ही देना है, उसके हिसाब से 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए, 7 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए मल्टीप्लाई टाइम कर लो, राइट। और आज से ही ये कोशिश करो कि आपको वो क्वेश्चन जो है यानी कि 4 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 6 मिनट में लिखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 7.5 मिनट में लिखना है। तो ऐसा अगर आप करते जाएंगे डेली बेसिस पे तो आपका इंप्रूवमेंट जो है वो होगा और एग्जाम्स में आप बेहतर तरीके से चीजों को कर पाएंगे, राइट। तो यही बात कहां लिखी हुई है, एग्जाम टिप्स वाला जो टैब है उसके अंदर आपको प्रॉपरली दी गई है। फिर ऐसे ही एक और पॉइंट आपको दिया है अलग से बना के जिसका नाम क्या है, एग्जाम्स स्ट्रेटेजी, यानी कि एग्जाम जो है उसको टैकल करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी वाला जो टाइप है उसमें दे दिया गया। एक बार और मैं दिखा देता हूं, जैसे ये देखिए, अगर मैं ई बुक्स लाइब्रेरी की बात करूं, ठीक है, तो जून 19 का एग्जाम, दिसंबर 18 का एग्जाम, इसके सजेस्टेड आंसर्स,
ठीक है, वो बकायदा आपको यहां पे दे दिए गए हैं। कई लोग हैं जिनको जो कहते हैं कि सर मुझे आईसीएसआई पे जो लिंक है उसका नहीं पता कि कहां पे है कहां पे नहीं है, तो हम लोगों ने उस पर्टिकुलर चीज को प्रॉपरली हमारी लैंग्वेज के अंदर बना के इस पर्टिकुलर चीज में प्रोवाइड कर दिया है। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में ये देखिए यूट्यूब, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, 30 डेज का स्टडी प्लान, कौन बनेगा कंपनी सेक्रेटरी, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव मैराथन लॉ रिविजन 1, वेरी मच इंपॉर्टेंट। काफी बच्चे जो कह रहे हैं कि सर लॉकडाउन हो जाने की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी और अब हम क्या नहीं कर सकते, अब हम बोले लेक्चर्स को परचेज नहीं कर सकते, हमारे पास में पैसा नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए जो लेक्चर्स हैं रिविजन वाले, वो लेक्चर्स हमने यहां पे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, एक एक लेक्चर जो है वो कम से कम 15 से 20 घंटे का है। अगर मैं सिर्फ कंपनी लॉ की बात करूं तो रिविजन लेक्चर्स, केस लॉस के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं वो, ये मिला के अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 घंटे के लेक्चर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे जो कि रिवाइज करने के लिए काफी रहेंगे। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैराथन है वो जून 20 के लिए हम वापस से लेके आने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप यहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो हो सकती है। गॉट द पॉइंट, डन। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे और भी जो चीजें हैं वो यहां पे दी हुई है। ये देखिए मॉक टेस्ट, कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर उसके आंसर्स, जेआईजीएल का क्वेश्चन पेपर उसके आंसर्स, ईसीएल एंड ईबीसीएल का क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर्स, ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे दी हुई है। सेम ऐसे ही टैक्स लॉ, सीएमए, एफएसएम, जो कि आपके कौन से वाले हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वो भी क्वेश्चंस आपको यहां पे दिए हुए हैं और इनको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो बकायदा जितना टाइम आपका अलॉटेड होता है उतना ही टाइम आपको यहां दिया हुआ है। एंड इवन जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे भी कंटिन्यूड है। पूरे कंट्री में इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है सीएस के लिए जो कि नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपके मॉक टेस्ट जो है उसको कंडक्ट करता है। व्हाट द पॉइंट। एंड फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए फाउंडेशन के लिए भी, ऑल द फाउंडेशन इस अटेम्प्ट के लिए तो है, आगे से क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये देखिए कंपनी लॉ के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए वगैरह 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 सर आपको दिए हुए हैं। फिर एग्जाम टिप्स की बात अगर करें तो एग्जाम में बच्चे फेल क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, 5 mistakes ये स्टूडेंट शुड अवॉइड बिफोर द एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इस एक एप्लीकेशन के अंदर, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी भी चीजें जून 20 के एग्जाम्स को पास करने के लिए रिलेवेंट है, कुछ भी बकवास वाली चीज नहीं, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं, जो चीजें जून 20 के एग्जाम्स को पास करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपको अवेलेबल है और उसका नाम है CSCARTINDIA का एप्लीकेशन। राइट, एंड्रॉइड के लिए ये फिलहाल अवेलेबल है, बहुत जल्द ये एप्पल के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फटाफट गूगल पे जाइए और जाके इस पर्टिकुलर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। इस पर्टिकुलर चीज को बताने के पीछे मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, सीधे सीधे तरीके से मैं आप लोगों के लिए चीज बता रहा हूं। अगर ये चीज को आप रेफर भी करते हैं तो उल्टा क्या होगा, मेरा जो मॉनेटरी रेवेन्यू वो कहीं ना कहीं कम होगा। कुछ इंसान जो शायद लेक्चर्स परचेज करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे, वो क्या करेंगे, वो यहां जाके पढ़ाई करेंगे। इससे अगर देखा जाए तो मेरा मॉनेटरी नुकसान होगा लेकिन आपका फिलहाल लॉकडाउन में क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए या इस ऐप को यूज करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डाउनलोड करने के लिए या फिर यूज करने के लिए या फिर इसके अंदर का दिया हुआ कंटेंट जो है उसको देखने के लिए आपको एक सिंगल रुपया जो है वो पे करने की कोई जरूरत नहीं है। यूजर फ्रेंडली आपके लिए एप्लीकेशन बनाया हुआ है, फटाक से आप पढ़ लो टैब में जाइए और अपनी जो चीज उसको क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे। Got the point? तो बिना किसी टेंशन के, बिना कोई पैनिक किए अपने जून 20 एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन जो है वो शुरू रखिए अच्छे तरीके से। और कहीं पे भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालात में, किसी भी पल में अगर कहीं पे भी कोई रुकावट आपको होती है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ती है, तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या है, वो ये कि प्रवीण चौधरी आपका भाई हमेशा आपके साथ अवेलेबल है 24/7। आपको करना क्या है, सिंपली एक कमेंट करके यहीं पे इसी वीडियो के अंदर अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो भी चलेगा कि सर मुझे स्वयं सो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है और उसका सॉल्यूशन मैं लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।
गॉट द पॉइंट। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और फटाफट ये ऐप जो उसको आप डाउनलोड जरूर कर लेंगे और लाइक करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा आप लोगों का मोटिवेशन जो है वो मेरा हौसला बढ़ाता है। जितना ज्यादा आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतने बेहतर काम मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करता रहूंगा। मुझे ये पता रहेगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा काम जो है वो करते जा रहा हूं, तो उससे मैं और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। राइट, सो प्लीज कीप डूइंग द लाइक एंड कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियोज एज वेल, कि वीडियो से आपको कैसा लगा, क्या अच्छा आपको आउटपुट यहां पे मिला, या कुछ अगर सजेशन देना चाहेंगे तो वो भी पूरी तरीके से वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गॉट द पॉइंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।